महेंद्र सिंह जी होंगे, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। गोविंद पंत राजू आप हमारे स्थानीय संपादक हैं। कुछ देर बाद शाहिद मंजूर हमारे साथ जुड़ेंगे, आप राज्य मंत्री हैं, और हमारे साथ जयंत चौधरी हैं, आप राष्ट्रीय लोकदल के सांसद भी हैं। आप सभी लोगों से इस गंभीर मुद्दे पर एक एक करके बातचीत करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस मुद्दे पर बातचीत करें, ना कि आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू करें, क्योंकि जनता को इस वक्त ईमानदारी से सीधी बात करना और सुनना पसंद है। जी, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने मुजफ्फरनगर के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया तो बीजेपी और बीएसपी के सीने पर मानो सांप लौट गया हो। अब दर्द इस बात का है कि कमल पर सांप्रदायिकता का ठप्पा लगाकर कांग्रेस और सपा वाले मुजफ्फरनगर में हमदर्दी बटोर बटोर कर लखनऊ और दिल्ली ले जा रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेताओं को क्षेत्र में घुसने भी नहीं दिया जा रहा, उल्टा उनके ऊपर मुकदमे थोपे जा रहे हैं। बीएसपी सपा का पहले दावत, कोसी परिक्रमा पर बाद में अदावत, सपा भाजपा का देखो पंगा, पूरे प्रदेश में दंगा दंगा। मुजफ्फरनगर में मौत दंगों की चादर में लिपट कर आई। दंगों में हाथ किसका था, पांव किसका था, ये पहचानने में सपा सरकार ने सर खूब खपाया। सियासत सांप्रदायिकता के उन्माद को पहचान नहीं सकी तो झट पलटी मार ली, कहा अमा मिया ये जातीय संघर्ष था, आप भी दंगों को बदनाम कर रहे हैं। उधर अपने प्रधानमंत्री ने फुर्ती दिखाई, सोनिया राहुल को साथ में लिया और पापी वोट के लिए पर्यटन पर निकल पड़े। आपके दल में शामिल होने के लिए यहाँ आया हूँ ताकि इस बात का अंदाजा लगा सकूं कि कितनी बड़ी दुर्घटना हुई। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनको पूरी पूरी सजा मिलनी चाहिए। लाइन मगर मैं कहूँ कि बड़ी देर कर दी हजूर आते आते, और खुद प्रायोजित अशांति कराने वाले अब बगुला भगत बनकर जा रहे हैं वहाँ मरहम लगाने। सोमवार को कांग्रेस के मुहाफिजों ने मुसाफिर बनकर मुजफ्फरनगर का मुआयना किया तो बीजेपी वाले मुख्तार भी मन महसूस कर रह गए, पिकनिक नहीं कर पाए तो अपनी पीर पराई कर दी। देखिए, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम तो जाना चाहते थे, हमें रोक दिया गया, और वो तो जा करके वहां पर सेकुलर टूरिज्म कर रहे हैं कम्युनल राइट्स पर, उनको जो है सुरक्षा मुहैया कराई जा रही। दंगों से दोजख में हिंदू भी गए और मुसलमान भी, लेकिन सियासत वोटों की मुंडेर पर बैठकर चीखती है, इसीलिए मुजफ्फरनगर के नाम पर मौज करने की इजाजत केवल दिल्ली और लखनऊ को है। खैर, मुसलमानों को सिंहासन की मंजिल बनाकर की जा रही मैराथन का दर्द दीन को भी दुखी कर गया है। सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमानों को टिश्यू पेपर की तरह, टॉयलेट टिश्यू की तरह यूज करते हैं, यूज किया फेंक दिया, तो ये तो सबकी आदत है, तो वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर की फसल की बुआई तो सामूहिक प्रयासों से हुई थी, लेकिन खलिहान पर कब्जा सपा और कांग्रेस ने कर लिया तो सियासी रोटियां ना सिख पाने का मलाल बहन जी को भी है। और जब विपक्ष के लोग जाने लगे, हमारी पार्टी भी ये चाहती थी कि मैं उधर पहुंचूं, लेकिन जब हमारी पार्टी के लोगों ने उधर के प्रशासन से बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैडम को नहीं आना चाहिए। इंसानियत जब खून से धुली जा रही हो तो भाषा और व्याकरण पर चर्चा ही क्या। मैडम को मुजफ्फरनगर जाने नहीं दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगवाने का पेटेंट बीएसपी ने ही करवा रखा है, इसीलिए ऐतिहासिक नारा दोहरा दिया। अब केंद्र की सरकार को बिना कोई देरी किए हुए तो वहाँ की सरकार को बर्खास्त करके वहाँ पर तुरंत ही राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र की सरकार को वहाँ पर पहल करनी चाहिए। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। मुजफ्फरनगर के मामले पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सपा भाजपा का देखो पंगा, पूरे प्रदेश में दंगा दंगा। कोई सीबीआई जांच पर अड़ा है, किसी को मुजफ्फरनगर के भ्रमण पर जाना है, किसी को गद्दी बचाना है, किसी को पाना है, लेकिन कवाल में पसेरी भर बवाल के बाद सियासत ने केवल शेर भर इच्छा शक्ति दिखाई है। मातम पर छटाक भर मरहम के बाद भी वोट का पेट रत्ती भर भी नहीं भरा है। 2014 दूर है, इसीलिए पिक्चर अभी बाकी है। सपा भाजपा का देखो पंगा,
पूरे प्रदेश में दंगा दंगा। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। भरत यादव, समाचार प्लस। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। बंसी पाड़िया जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, मुझे बताइए क्या दंगों पर जो पीड़ित लोग हैं उनके जख्मों पर मरहम लगाने का पूरा ठेका वो राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार का है क्या? कोई और नेता वहां जाएगा नहीं? भाई जब नेता सदन वहां जा रहा है तो नेता प्रतिपक्ष क्यों ना जाए? मैंने ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी का वहां जाना, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और राहुल गांधी जी क्या हैं? और राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज हैं? नहीं, राहुल गांधी जी। अरे भाई, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज और रविशंकर प्रसाद को वहां पे जाने से क्यों रोका गया, ये पूछा जाएगा ना? इसलिए रोका गया कि भारतीय जनता पार्टी का रोल इस दंगे में आग में घी का काम किया है। वहां की जनता उनके प्रति नाराजगी रखी थी और हो सकता है कि वहां कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए ने रोका गया। विधायक जी, सेकुलर है। विधायक जी, राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तीन दल जाएंगे तो वहां दंगा हो जाएगा, और जो दो दल सत्ता में है लखनऊ और दिल्ली में केवल वो जाएं, बस इसी की छूट है? ये तो लोकतंत्र नहीं है। या तो सारे नेता बाहर या सारे नेता अंदर। नहीं, मुख्यमंत्री जी चूंकि प्रदेश के मुखिया हैं और उनको जाके वहां वस्तुस्थिति से अवगत होना है और अधिकारियों को निर्देश देने हैं, वो काम लखनऊ से भी हो सकता है। तो मैंने कहा प्रधानमंत्री है तो नेता प्रतिपक्ष क्यों ना जाए? नेता प्रतिपक्ष की भी मुख्यमंत्री से कम जिम्मेदारी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष की पार्टी के लोग इस हैसियत में नहीं थे कि वहां उनकी रक्षा वो कर सके। प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। पहाड़िया जी, दंगे में पहाड़िया जी दूसरी धुन बजाने लगे। अब आप, आपको आपको पटना याद है ना अमिताभ जी? आपको पटना याद है ना? गौतम गोस्वामी एक आईएएस अफसर था जो बाद में घोटालों में आया और आप हमारे बीच में नहीं है। एलके आडवाणी वहां पर बोल रहे थे। एलके आडवाणी कहा, उसने माइक का तार खींच दिया था कि बोला साहब टाइम पूरा हो गया, चलो यहां से जाओ। ये हुआ था ना? अरे भाई, कोई भड़काओ भाषण दे तुरंत चार डंडे मार के उसको बुक करो वहां पर। आप तो इतना पैरा मिलिट्री फोर्सेस और आर्मी और फलाना सेना और फौज फाटा सब लेके बैठे थे। नहीं अतुल, मेरी समझ में एक बात नहीं आती, अगर एक निर्वाचित प्रतिनिधि जा सकता है किसी इलाके में, हाँ, तो दूसरे निर्वाचित प्रतिनिधि को किस आधार पर रोका जा सकता है? हाँ, ये तर्क ठीक नहीं लोकतंत्र के लिए। मैं सरकार में नहीं हूं। यदि प्राइम मिनिस्टर भी आए तो उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति से या परमिशन से आए हैं। अब ये बात तो ये भारतीय जनता पार्टी या ये समाजवादी पार्टी या जनता पार्टी के नाम से सारे लोग एक जगह शासन कर चुके हैं 77 और 89 में। ये तो ये बेहतर एक दूसरे को जानते होंगे कि इनको क्यों नहीं जाने दिया गया। चलिए जयंत चौधरी साहब से बात करते हैं। जयंत चौधरी साहब, आपके पिताश्री चौधरी अजीत सिंह साहब ने कहा है कि मुजफ्फरनगर दंगों में सपा का हाथ है और अखिलेश सरकार की नाकामी की वजह से ऐसा हुआ है। मायावती जी कहती है कि मुजफ्फरनगर दंगों में सिर्फ सपा का हाथ है। आखिरकार ये दावे किस बिना पर किए जा रहे हैं जयंत भाई? केवल दावे कर रहे हैं, क्योंकि हम नेता हैं इसलिए हम दावे करेंगे केवल? देखिए, प्रदेश की सरकार है, उनका दायित्व बनता है, लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। हमारे देश में संघीय ढांचा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अपनी एक नजर इन चीजों पे रही है। हाँ, प्रयास भी हुआ लेकिन पूरी तरह से जो है सरकार विफल रही। अगर जो कदम 7 तारीख के बाद उन्होंने प्रयास किए हैं पहले ही हो जाते तो इस तरह की बड़ी बड़ी पंचायतें नहीं होती। जो लोग विष को फैला रहे थे आपने उनको उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। हाँ, और जानबूझकर ये सब हुआ, एक राजनीतिक साजिश के तहत हुआ। किसान की जो ताकत है, जो एकजुटता है, उसको कमजोर करने। जयंत भाई, लेकिन क्या इसके कोई सबूत मिले हैं कि सरकार ने दंगा फैलाया और सरकार ने दंगा भड़काया जैसे आरोप लगाए गए? अरे भाई, बसपा सांसद कादिर राणा, कांग्रेस और भाजपा के तमाम दूसरे नेता, आरएलडी के नेता मंच पर एक साथ मौजूद थे, वीडियो हमारे पास है, भीड़ को उकसाने वाले बयान दे रहे थे ये नेता, सभी दलों के नेता, कौन बचा है बताइए मुझे? तो फिर सिर्फ सपा कसूरवार कैसे हुई? हमें अपने गिरबानों में झांक के भी देखना चाहिए ना भाई कि वोटों की फसल की लूट मचा दी हमने वहां पर। नहीं, 30 तारीख को क्या सपा के लोग मौजूद नहीं थे? राशिद सिद्दीकी वहां सपा का नेता है,
अब मैं ये एक इंडिविजुअल की बात नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि जिसने भी भड़काया आप तथ्य सरकार के पास हैं, निडर होकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ विधायक हैं कि विधानसभा में आया था देखने के लिए, यहाँ मौजूद थे, टीवी स्टूडियो में जा रहे हैं, खुली चेतावनी दे रहे हैं कि आ जाइए हमें गिरफ्तार कर लीजिए अगर दम हो, लेकिन अभी भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। तो कारण ये है कि वो नहीं चाहते। और मैं ये कहूंगा कि अब जो है उनको धीमे धीमे एहसास हुआ कि जब कल मुख्यमंत्री गए और उन्होंने विरोध को अपने आप देखा, अपने नजर से, अपने आंखों से, अब उनको एहसास हो रहा है कि हमने तो पूरे प्रदेश को, जनता को तंग कर दिया है, नाराज कर दिया, लोगों का विश्वास उठ चुका है। पहले सोच रहे थे कि ध्रुवीकरण होगा तो हमें लाभ होगा, लेकिन अब क्योंकि मीडिया सतर्क है, लोग समाज देख रहा है, उनके आगे जो है अब ये नंगे हो चुके हैं। इन्होंने एक साजिश के तहत किया। और यहाँ ये भी कहूंगा कि जो रामगोपाल जी का बयान था, श्री मुलायम सिंह यादव जी का बयान था जो आगरा से उन्होंने दिया, बहुत आपत्तिजनक था। उन्होंने एक सिर्फ सांप्रदायिक ही नहीं, इसको जातिवादी सोच भी उसमें झलकी। जिस तरह से प्रदेश जल रहा था और आप आगरा में एक अधिवेशन कर रहे थे 5 स्टार, वो भी आपत्तिजनक मैं मानता हूँ जी। तो दायित्व सरकार का बनता है। सिंह जी, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप बीजेपी से विधायक हैं और आपकी पार्टी के ऊपर सबसे ज्यादा लोगों के ऊपर मुकदमे लादे गए। विधानमंडल के जो नेता हैं हुकुम सिंह साहब, उनके ऊपर मुकदमे ठोंक दिए गए। संगीत सोम के ऊपर मुकदमे ठोंके गए। तमाम 4 दूसरे विधायक हैं, इनके ऊपर मुकदमे लगाए गए। सवाल यहां पर बड़ा यह है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? अतुल जी, मैं बहुत सम्मान करता हूं, समाचार प्लस पे हूं और मुझको लगता है कि आपका चैनल सबसे अच्छा विश्लेषण करता है। सारी जानकारी आपके पास है और 27 तारीख को जिस तरीके से वहां पर विवाद उठा है, 28 को जो घटना घटित हुई, अभी आप कह रहे थे कि कैसे सपा को कहा जाए, ये सपा द्वारा प्रायोजित दंगा था और मैं इसको सिद्ध कर सकता हूं। आप भी जानते हैं सपा वाले कहते हैं भाजपा के द्वारा प्रायोजित दंगा था। धारा 144 लगी हुई थी, उसके बाद भी पंचायत हो रही थी। दूसरी बड़ी बात है कि धारा 144 की जो पंचायत हो रही थी उसमें डीएम और एसपी मंच पर विराजमान थे और मंच पर विराजमान रहते हुए उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जिन लोगों ने इसको दंगा के भड़काने की कोशिश कर रहे थे उनको समर्थन कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार निष्पक्षतापूर्वक अगर कार्रवाई की होती, दंगे को रोकने का प्रयास किया होता, 27 के बाद 28 बीता, 29 बीता, पहली पंचायत किसकी हुई आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अमिताभ भाई बहुत अच्छे से जानते हैं कि पहली पंचायत किसकी हुई। उसके बाद धारा 144 लगने के बाद पंचायतें हो रही हैं और शासन के आला अधिकारी मंच पर विराजमान हैं, उनके देखरेख में सारे कार्रवाई हो रही, आप उसको रोक नहीं रहे। AK-47 पकड़ी जा रही, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है, चारों तरफ कत्लेआम चल रहा है और सरकार सो रही है। देखते देखते यह केवल आरोप और प्रत्यारोप तक रह गई सरकार, पूरी तरीके से विफल रहा प्रशासन। ना तो मुख्यमंत्री कुछ कर पा रहे, ना इनकी सरकार कुछ कर पा रही, बैठे बैठे देख रहे, पहले कत्लेआम कराते हैं फिर मरहम लगाने जाते हैं। बीजेपी के ऊपर तो ये आरोप लगा करके केवल अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब जान गई है, दंगों की बाढ़ उत्तर प्रदेश में आ गई है। कोसी कला से जो प्रारंभ हुआ और मुजफ्फरनगर तक पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है और आप एक एक दंगे का विश्लेषण आपके चैनल पर हो चुका है और अच्छी तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश आपके चैनल को सबसे ज्यादा लोग देखते हैं और आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो मुजफ्फरनगर में हुआ, 27 की घटना हुई, 28 की घटना हुई, 30 की जो पंचायत हुई, 31 की पंचायत हुई, उसके बाद 7 तारीख की जो पंचायत हुई और उसके बाद जो घटना पंचायत के बाद जो लौट रहे थे लोग उनके साथ क्या घटित हुआ, फिर 8 तारीख को क्या घटित हुआ, ये बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था जी, जी, जी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, उत्तर प्रदेश को कलंकित किया है महेंद्र जी। सरकार द्वारा यह प्रायोजित था, एक संवैधानिक संकट उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ है। मैं समझता हूं आज भी सरकार निष्पक्षतापूर्वक कार्रवाई नहीं की। महेंद्र जी, महेंद्र जी एक मिनट, निष्पक्षतापूर्वक कार्रवाई करती जी। महेंद्र जी एक मिनट, मैं मेरे पास इस पूरे दंगा प्रकरण को लेकर 5 सवाल हैं। पहला सवाल, छेड़खानी जब हुई बच्ची से तो दोषियों पर तत्काल मुकदमा क्यों नहीं लगा? बिल्कुल, शासन, एक सेकंड, शासन का इकबाल क्यों नहीं दिखा तत्काल? ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। जयंत चौधरी गलत तो नहीं कह रहा? दूसरा प्रश्न, जब 3 हत्याएं हो गई उसके बाद शासन ने एक शुक्रवार के दिन नमाज के बाद भीड़ इकट्ठी होने की अनुमति कैसे दी? 7,000 लोग दिखाई दे। तीसरा प्रश्न, अनुमति बिना लिए भी आ गए, मैं इससे बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दूं, तो फिर कलेक्टर और कप्तान मंच पर क्यों गए? मंच पर कैसे? एक सेकंड, मैं बहुत क्रिस्पी अंदाज में बात कहूंगा। उसके बाद आपने उत्तर में एक बड़ी पंचायत की अनुमति क्यों दी?
वो गलती की, चलो फिर दूसरी गलती क्यों की। चौथा प्रश्न, कलेक्टर, कप्तान, दरोगा, सिपाही, होमगार्ड, चपरासी, चौकीदार, इनकी गलती क्या बताऊं। जब उत्तर प्रदेश का पुलिस का सबसे बड़ा मुखिया महापंचायत के दिन यानी शुक्रवार के बाद की जो पंचायत थी, उस